आपने इसके फिलोसफी के लिए बेटे फ्यू एक्सप्रेशंस लास्ट टाइम किए थे। एक था आपका इसके फिलोसफी इज इक्वल टू 2 GR अंडर द रूट, एक ये आपने डिस्कस कर रखा होगा। एंड एक आपने बेटे किया था बी स्केप इज इक्वल टू 2 GM/R, है ना बेटा, ये था अंडर द रूट। और एक बेटे आपने किया था दैट स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 π g ρ r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। देखो कोई ज्यादा या कम तो नहीं चीज लिखी गई बेटा, सारे बच्चे देखना पुत्र कोई चीज ज्यादा या कम तो नहीं होगी इसमें थर्ड वाले में, ठीक है सारा। तो इनका एनालिसिस करने को आपको कहा जा सकता है इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेटे। अब बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक तो था आप इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो अर्थ की सरफेस से, तो वो कुछ हाइट तक जाकर वापस अर्थ पे गिर जाएगा, इट विल फॉल बैक। और अगर बेटे हम इसके वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देकर किसी चीज को प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो इंटरस्टेलर स्पेस होगा वहां पे उसकी वेलोसिटी नेट कितनी बचेगी, ये चीज हमने बेटे डिस्कस करनी है। तो आप लिख सकते हैं हेडिंग अकॉर्डिंगली बेटा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द इंटर स्टेलर स्पेस इफ प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी मोर देन एस्केप वेलोसिटी बेटा। सो आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे देते हो। आइए जी आइए, तो आपका बेटे कैसे आपका जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी पोजेस करेगा इन द इंटरगैलेक्टिक स्पेस एंड ऑल दैट। आइए जरा देखें सोचें इसके बारे में। इमेजिन कर लीजिएगा ये आपका अपना प्लेनेट बेटे अर्थ है, और अर्थ का रेडियस बेटे हम कैपिटल आर आप जानते ही हैं, इट इज 6.4 × 10⁶ किलोमीटर के मीटर मीटर्स, वेरी नाइस। और मास ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन टू यू, वंश एंड वेबर, मास ऑफ अर्थ, ओके ओके, इट इज 6 × 10⁴ kg, याद होना चाहिए, चलते फिरते थोड़ा याद कर लिया करो। और आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल एम मास का बेटा, आपने इसको बेटे प्रोजेक्ट किया वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी, और ये आपका जो वेलोसिटी है इट इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, हमने ये ज्यूम कर लिया। अब जैसे जैसे ये आपके हाइट को अटेन करता चला जाएगा इंटरस्टेलर स्पेस में जाके, हम इसकी वेलोसिटी को अगर बच्चों बोल दें कि जी वहां पे इसकी वेलोसिटी वी डैश हो गई है, तो वी वांट टू कैलकुलेट दिस वी डैश एट दिस पॉइंट एट दिस प्लेस, कि वहां पे जाकर इसकी कितनी नेट वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, दिस इज व्हाट टू बी इंटेंड टू कैलकुलेट बेटा। सो बेटा डियर चिल्ड्रन, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने तैयारी की है अपने सैटेलाइट को विद द हेल्प ऑफ ए रॉकेट लॉन्च करने की, बट अभी आपने लॉन्चिंग किया नहीं है, आपका रॉकेट अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, रेडी टू टेक ऑफ है, यहाँ पे लॉन्च करने से पहले क्या इसके पास कोई एनर्जी है बच्चों? यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी एम जी, एच तो है नहीं, एच तो 0 है, सरफेस पे ही है ना। अदिति बोलो उत्तर, आप कुछ कह रहे थे, हाफ एम,
वो तो काइनेटिक एनर्जी तो देंगे ना आप इसको, वो तो है ही है। मैं ये कह रहा था कि ये आपका रॉकेट है, रेडी टू टेक ऑफ है, अभी आपने इसको इंजन को स्टार्ट नहीं किया, अभी आपने इसको ऐसे मतलब तैयार करके रखा हुआ है, V इसका 0 है, क्या अभी भी इसके पास कोई एनर्जी है? होना चाहिए। जी एम एम अपॉन माइनस आर, कल हमने वो दो लिमिट्स पुट किए थे आर से इंफिनिटी, अगर आप लिमिट नहीं पुट करते तो सरफेस पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी है ही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा आपके अर्थ की सरफेस पे बेटा। जी एम एम अपॉन माइनस आर के बराबर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, है। और साथ में आपने क्या दिया, इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, रॉकेट चला दिया, इंजन चला दिया, इतनी एनर्जी आपने काइनेटिक दे दी, ये बच्चों आपका टोटल एनर्जी आ गया बिफोर कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाए। इनिशियली आपके सैटेलाइट के पास, आपके रॉकेट के पास, आपके सिस्टम के पास इतनी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंपल पोटेंशियल ही मैं कह रहा हूं। और पुत्र अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था कल या परसों, उसके डिनोमिनेटर में जरा देखिए क्या आ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में आर आपको मिलेगा, छोटे वाला आर मिलेगा, कहीं मिल रहा है? अगर आपका बच्चों अब इधर देखिए डायग्राम में, आप इस स्मॉल आर को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ले जाते हो, ये 10th वाले बच्चे क्यों आ रहे हैं बीच में भी, आप इसको अगर बेटे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हो तो क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू वी डैश का स्केयर, ये आपने वेलोसिटी ज्यूम की है, और इसका काउंटर पार्ट 0 हो गया बेटा। हमने बेटे देखो कुछ भी नहीं किया, सरफेस पे एंड इंटरगैलेक्टिक स्पेस में टोटल एनर्जीज को कंपेयर किया है और कुछ भी नहीं, राइट? अब देखिए आप ये 0 को तो चलो लिखने का कोई आइडिया ही नहीं है, मैं छोड़ ही देता हूं, ये आपका स्मॉल m इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, खत्म हो गया बेटा। 2 से थ्रू मल्टीप्लाई कर दें, साथ साथ लिख लो बच्चों, काम आएगा कहीं, बंस एंड वैभव कर रहे हैं ना, पेन कौन है आपके पास? सो बी का स्केयर प्लस 2 gm अपॉन माइनस आर, बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम बेटा, इट इज इक्वल टू वी डैश का स्केयर कर दें जी बेटा, आपको तो वी डैश चाहिए था, और जो आपका बेटे वी डैश है ये आपके पास, इसका स्केयर आपको देखो बच्चों मिल रहा है, बी का स्केयर माइनस 2। अच्छा बच्चों ये जीएम कहीं देखा देखा लगता है, इट इज स्मॉल जी आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर, ये बात बनी बेटा है ना, एक आर आपका देखिए कट गया, और यहां पे आपके पास वी डैश का स्केयर बन गया जी बी स्केयर माइनस 2 gr। अच्छा बच्चों इसको भी जरा चेक करिए, यही देखा देखा नहीं लग रहा कहीं पे आपको? हाँ जी बेटे, ये इट इज अ एस्केप वेलोसिटी का स्केयर है ना, एस्केप वेलोसिटी में इसके रूट के बराबर थी ना, तो ये आपका स्केयर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी के बराबर आ गया, तो यू कैन से दैट वी डैश का स्केयर इट इज बेटे वी स्केयर माइनस वी स्केप का स्केयर। और डियर चिल्ड्रन आप देखिएगा आपके पास वेलोसिटी इन द इंटरगैलेक्टिक स्पेस जो है ये बन गई, जिस वेलोसिटी के साथ आपने प्रोजेक्ट किया है, माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बेटे इस एक्सप्रेशन को नहीं भूलना, ये बड़े काम की चीज है, इसके बेस से आपको काफी कुछ पूछा जाता रहा है, आप एमसीक्यूज देखोगे अपनी बैक ऑफ द बुक लेसन के पीछे, इस पे बेस आपको 4-5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, राइट? और कोशिश करिएगा कि आप सॉल्व कर लें, राइट जी? समझ आ गया सबको बेटा?
नहीं नहीं रब नहीं करता मैं। इसके बाद बेटे हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी की, सैटेलाइट के टाइम पीरियड की, और वर्टिकल हाइट ऑफ द सैटेलाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह करेंगे। तो अगर आपका हो गया तो चलें आगे। अब डन बेटे, हो गया। चलिए बेटे, इसके बाद हमारे पास है, कल हमने थोड़ी सी प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट के बारे में भी बच्चों बात की थी। तो मैं अब बेटा हमारा जो है ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, इसकी बेटे बात करने वाले हैं। ये कैसे निकाल पाएंगे हम, और हम किस तरीके से इसको बेटा डील कर पाएंगे फर्दर। इमेजिन कर लीजिए, ये आपका अपना प्लेनेट बेटे अर्थ, और आपने इसको नियरली स्फेरिकल बॉडी माना हुआ है। आपने रॉकेट के साथ अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, वो सारा हो गया। अब आपका जो सैटेलाइट है यहाँ पे है, ये मास इसका स्मॉल एम कह दो, और ये सैटेलाइट डियर चिल्ड्रन आपका जो है इस ऑर्बिट में अर्थ के राउंड अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से। सो ये ऐसे मूव करी जा रहा है, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सारी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रही हो। राइट जी, आई जस्ट मीन टू से दैट बेटा कि वो इसके वेलोसिटी वाला कंसेप्ट करने के बाद, जब आपने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट चला गया, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और ऑर्बिट का रेडियस एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ लेट इट बी बिटवीन स्मॉल आर। और बच्चों इस बात को नहीं भूलना, ये आपका कैपिटल आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एच के बराबर हुआ, और आपका स्मॉल आर जो है इट मस्ट बी कैपिटल आर प्लस एच। राइट बेटा, सही है, आर आपकी अर्थ का रेडियस ही है ना, ऊपर एच बच गया, आर प्लस एच स्मॉल आर कह दिया हमने। कहने की बात ही है, जो मर्जी कह लो आप। अब आपका सैटेलाइट बेटे ऑर्बिटल वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, तो वी विल ऑलवेज से दैट कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट सो दैट इट कैन बी पुट इन सम ऑर्बिट राउंड अबाउट द अर्थ बेटे। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप बेटे वी ओ से डिनोट करोगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इट इज बेटे डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच एंड विद विच ए सैटेलाइट और एन ऑब्जेक्ट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, या कोई और प्लेनेट की बात भी हम कर रहे हो सकते हैं। ठीक है जी बेटे, अब बच्चों देखो आपका अर्थ जो है और ये जो स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है या ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेफिनेटली होगा, है ना। जी एम एम अपॉन बड़ा आर लिखूं कि छोटा? हाँ जी पुत्र, बड़ा आर लिख देंगे, छोटा छोटा की बड़ा, छोटा आर ही लिखना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ये है ना, तो इट शुड बी स्मॉल आर। राइट बेटा, इसका स्केयर कर देंगे। आप लोग अच्छे से जानते हैं बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, उसको बेटे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस। तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बेटे इक्वल टू एम वी ऑर्बिटल का स्केयर अपॉन आर। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू बेटे। इनको बच्चों दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए। क्यों इक्वेट क्यों करना चाहते हैं हम, क्योंकि ये फोर्स आपकी जो है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके दे रही है, जो कि जरूरी है आपके सैटेलाइट के लिए रिवॉल्व करने के लिए।
आइए अब इन दोनों को इक्वेट करके चेक करें कि वेदर वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और नॉट. सो एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इट इज जी एम एम अपॉन आर का बच्चों स्क्वायर. एक एम आपका कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, एक आर भी कैंसल आउट हो गया, और आपके पास बचा क्या बेटा, बी ऑर्बिटल का स्क्वायर जी एम अपॉन स्मॉल आर बच गया जी. ये देखिएगा एक बार फिर से, आपको ये जी एम कहीं देखा देखा लगता है, अब आपको आ गया है ये, वेरी नाइस. तो वी ऑर्बिटल का स्क्वायर आ गया जी जी, कौन सा बड़ा कि छोटा, नहीं नहीं छोटा कि बड़ा, कैपिटल आर आएगा ना बेटा, ठीक है. तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ही रहने दें, यही था. एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको ये आपका g होता है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना बेटा, और आप क्या कर रहे हो, ये जी एम की वैल्यू निकाल रहे हो, तो जी एम आपके पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर के बराबर. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज सच. सो वी ऑर्बिटल आपके पास बच्चों बन गया जी जी एम अपॉन स्मॉल आर. ये एक एक्सप्रेशन आपके पास बन जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वी ऑर्बिटल इट इज जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ऑल अंडर द रूट, आप ऐसे भी कर सकते हैं. इसमें बेटे एक स्टेप अगर हम और आगे निकल जाएं और आगे चले जाएं, आपका स्मॉल आर तो कैपिटल आर से डिफरेंट है बेटा, स्मॉल आर तो आपका कैपिटल आर से काफी ज्यादा बड़ा है ना, इसमें आपने एड एच एड कर रखा है तब जाके आपको स्मॉल आर मिल रहा है, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं. और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका वी ऑर्बिटल डियर चिल्ड्रन बन जाएगा जी जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच कर दें, ऐसे कोई बेटे खराबी तो नहीं इसमें, देखिए जरा ऐसे लिख सकते हैं ना हम. इसके एक स्पेशल केस में देखिएगा, कई बार आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ही लो हाइट के सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. असल में बेटे दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, वो आपके बहुत ही लॉन्ग टर्म वेदर फॉरकास्टिंग या आपके कम्युनिकेशन वगैरह के लिए होते हैं. एक होते हैं बिल्कुल लो लाइंग सैटेलाइट्स, वो आपके लोकल रीजन्स के सर्वे करने के लिए, कोई डैम का, कोई फॉरेस्ट एरिया का, या आपके ज्योग्राफिकल एरिया का सर्वे करना है, तो वी जनरली टेक द हेल्प ऑफ दोज पर्टिकुलर सैटेलाइट्स बेटा. तो इस केस में मैं स्पेशल केस की बेटे बात करूंगा. स्पेशल केस है कि अगर आपका जो सैटेलाइट है इट इज हैविंग बेटे लो हाइट, लो अल्टीट्यूड है इसका, तो आपका आर प्लस एच बच्चों लगभग आर के बराबर आ जाएगा, 15-20-50 किलोमीटर भी आपका 6400 के किलोमीटर के कंपैरेटिवली कोई बड़ी फिगर नहीं है. अगर आपका सैटेलाइट 100 किलोमीटर की हाइट पे भी होगा तो कोई ज्यादा नहीं है, राइट बेटा. तो आप वी ऑर्बिटल को जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर बेटे लिख लोगे, ऐसे लिख लेंगे ना बच्चों, तो एक आर तो आपका निकल गया ये देखिए, और वी ऑर्बिटल आपके पास बन गया जी जी इंटू कैपिटल आर. लेकिन ये तब है जब आपका सैटेलाइट बड़ी लो हाइट पे है, अगर ज्यादा हाइट पे है तब आपका यही रहेगा या यही रहेगा या यही रहेगा, तब ये वैलिड नहीं होगा, ठीक. अब देखो आपको जी का पता है कितनी होती है अर्थ के लिए, आर का भी पता है, आप अगर ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आएगी, आनी चाहिए. आप सॉल्व करके देख लेना, क्रॉस चेक करके देख लेना घर पे, जब आप फ्री हो जाएंगे तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये 7.98 मीटर पर सेकंड के करीब करीब जो है किलोमीटर पर सेकंड के करीब करीब आपको मिल जाएगा बेटा. इसके वेलोसिटी के कंपैरेटिवली ये काफी कम है, 4-5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लगभग कम होता है. इतने किलोमीटर एक सेकंड में आपका सैटेलाइट डिस्टेंस कवर करता है अगर वो लो अल्टीट्यूड का सैटेलाइट है, और अगर ज्यादा है हाइट इसका फिर इसकी जो स्पीड है
वो बेटे अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है साथ साथ, आपका आर के साथ एच भी तो ऐड हो रहा है ना बेटे। अगर एच बड़ा होता जाएगा तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होता चला जाएगा। सो जितने भी लो लाइंग सैटेलाइट्स हैं बेटा, इनकी जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। एक छोटी सी आपको एक्टिविटी सुजेस्ट करता हूँ, अगर आपको टाइम लगे मन करे तो करके देख लेना, नहीं तो अदरवाइज भी कोई बात नहीं है। जैसे आपके पास पुत्र पेन देना, ये बड़ा इतने के लिए आपके पास जैसे ये पेन है मान लीजिए, तो अगर आप इनको इसको पेन को दोनों तरफ से खोल लें, हमने इसका रीफिल बाहर निकाल दिया ठीक है जी, और इसमें एक थ्रेड पास करवा लिया, थ्रेड अच्छा होना चाहिए जो टूटे ना, जिसके साथ वो स्टिचिंग वगैरह करते हैं कैरी बैग्स बड़े बड़े बैग्स की, एक थ्रेड का इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। एक तरफ आप एक छोटा सा स्टोन टाई कर लीजिए, या एक वो नट बोल्ट होते हैं वो टाई कर लीजिए, दूसरी तरफ भी ऐसी कोई चीज टाई कर लीजिए जो इसके बीच में से पास ना कर सके ठीक। और इसका थ्रेड का जो लेंथ है आपकी आर्म की लेंथ के बराबर रख लीजिए, फिर इसको पकड़ लीजिए यहां से। अब ना तो थ्रेड इधर से निकल पाएगा ना इधर से निकल पाएगा, इसको पकड़कर जैसे आपके ऊपर ये फैन रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसे 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 जरा जोर से कर दीजिएगा ऐसे ठीक है, जैसे फैन है बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, पूरा स्ट्रेच हो जाएगा थ्रेड। अब थोड़ा सा केयरफुली करने की जरूरत है। नाउ टेक आउट योर सेकेंड हैंड, नीचे एक नट है, नट दोनों तरफ हमने टाई किए हुए हैं ना, या स्टोन किए होंगे, इसको करते रहिए ऐसे जोर से करते रहिए करते रहिए, इसको पकड़कर धीरे 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 साथ नीचे को खींचते जाइए, ऐसे कर दीजिए। आपका वो जो सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड अमेजिंगली बढ़ जाएगी बेटा। सो इन दिस वे बेटे आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि आपका जो ये सैटेलाइट है इसकी स्पीड, अगर आप थैंक यू बेटा लो हाइट पे आ जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपके रोटेशनल मोशन के चैप्टर में विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आल्सो बेटे। हाँ कैसे, हाँ जी हाँ जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब आप ऑर्बिटल रेडियस कम कर दोगे तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी उसके बारे में डिटेल में मैथमेटिकल टर्म्स में विद प्रूफ बात करेंगे। यहाँ पे तो आपको मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही सजेस्ट कर रहा था ना बेटा, तो आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चीजें बेटे बड़ी छोटी छोटी होती हैं, करके देखा करो, आप मेडिकल वाले बच्चे हैं आपका हाथ वैसे भी साफ होना चाहिए, तो इन चीजों को जरूर करके देखा करो। आइए आगे चलें, इसके बाद हमारे पास बेटे आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। आपका अपना प्लेनेट बेटा अर्थ है ये, और रेडियस अर्थ का आर, मास कैपिटल एम, और आपका सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है राइट जी। ये वही डायग्राम जो रब कर दिया था हमने, मैं दोबारा ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूं। ये स्मॉल एम मास है आपका, इसको डिस्टेंस को आपने बोल दिया था स्मॉल आर, और ये आपका यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ। टाइम पीरियड की अगर बच्चों बात करें तो टाइम पीरियड को आप बेटे बड़े वाले टी से डिनोट करते हो, और इट इज बेटे डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाई द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिटल पाथ। यहां से आपका सैटेलाइट स्टार्ट हुआ, ये पूरा चक्कर काट के फिर वहीं पे आ गया, जितना टाइम लग गया इसको हमने बेटे बोल दिया जी टाइम पीरियड। अगर मैं बेटे इसको फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, कैसे लिखूं मैं, कितना टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर काटने में पुत्र? आप यहां पे आपका सैटेलाइट है, ये पूरा चक्कर काट के वहीं पे आ गया, मैथमेटिकल टर्म में कितना टाइम लगेगा? 2 पाई आर अपॉन बी। वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा, इट विल बी इक्वल टू बेटा आपका
आ जाएगा 2 पाई आर ऑर्बिटल रेडियस डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है जी। अदरवाइज भी आपका जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो एस सच है, उसको आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया, चाहे वो ऑर्बिटल स्पीड है जैसी भी है, आपका टाइम पीरियड आपको मिल गया। अब आइए हम इसमें कंप्लीटली अपनी जो वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन बी नॉट, अभी अभी हमने निकाला था जी एम अपॉन, ये था जी एम अपॉन आर अंडर द रूट था बेटा, चेक करिएगा ऐसा ही था ना। इसको मैं एक्सप्रेशन को बेटे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, जरा फोकस करिएगा सारे बच्चे। वी विल हैव दिस टाइम पीरियड टी टू बी इक्वल टू, देखो बेटा 2 पाई को हमने कुछ भी नहीं कहा, आर को भी कुछ नहीं कहा, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं, ये आपके पास आ जाएगा आर अपॉन जी एम, ऐसे लिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपके मन में हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर ऐसा है तो आप इस आर को अंदर ले जाएंगे, ले चलते हैं। टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट आर का क्यूब अपॉन जी एम आ गया जी। ये आर आपका किसके बराबर था डियर चिल्ड्रन, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर था। हाँ आर क्यूब कहां से आ गया, ये तो बड़ी समस्या हो गई है ना। ये तो आप ऐसे करिए, इस आर क्यूब में से आर की 2 पावर बाहर लेके जाके देखिए आपको ये वापस मिलता है कि नहीं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट पुत्र रुक जाइएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इसको अगर मैं बाहर ले जाऊं तो मुझे ये वापस मिल रहा है फार्मूला कि नहीं मिल रहा, बताइए। दैट्स व्हाई, कोई बात नहीं बेटे, इसीलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप ऐसे चिंता मत किया करो, ये आप ताना मत दिया करो कि हमारा मेडिकल है, ये तो आपका प्लस पॉइंट है। आजकल तो मेडिकल वाले बच्चे साथ में मैथ भी पढ़ के दिखा देते हैं, हाँ वो जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई वो बात नहीं है कि हम तो मेडिकल वाले हैं, ऐसे नहीं कहना कभी भी। मैथ आपको करवा देंगे, ऐसी क्या बात है। ये हो गया, अब आपका ठीक हो गया बेटे अदिति, इसकी ये वाली वैल्यू डाल दें यहाँ पे, आइए देखते हैं फिर क्या हमारे पास आ जाता है। सो वी विल हैव टी टू बी इक्वल टू 2 पाई आर की जगह अदिति लिखवाएगी, क्या लिखूं मैं, आर प्लस एच का, अदिति ऐसा ही है। ये आपके पास बेटे टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है, ये भी आपका टाइम पीरियड का ही फार्मूला है। बेटे मैं फिर से वही बात करूंगा, अगर आपका सैटेलाइट जो है दैट इज ऑर्बिटिंग वेरी 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 क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो आपका बेटे स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। आइए देखें स्पेशल केस, आपका और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ, आपका आर प्लस एच जिसको आपने स्मॉल आर बोला था, ये लगभग बड़े वाले आर के बराबर है ना, तो इसमें पुट कर दे फिर, इसमें कर दो या इसमें कर दो, एक ही बात है। टाइम पीरियड आपके पास आ गया 2 पाई अंडर द रूट बन गया जी डियर चिल्ड्रन आर का क्यूब। अच्छा ये जी एम फिर देखो आपको बार बार मिल रहा है, ये ना इट इज जी आर का स्क्वायर है ना बेटे। सो आइए अब इसको एक स्टेप और आगे ले चलें, ये आर का स्क्वायर ये आर का क्यूब एक ही पावर बचेगा, ऐसे कर दूं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी, 2 की वैल्यू आपको पता ही है, 2 ही होती है, पाई पता है, आर पता है, जी पता है, आप घर जाकर इत्मीनान से कैलकुलेट करके देख लेना, इट विल टर्न आउट टू बी 84.6 मिनट्स बेटा। अगर आपका सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, ये करीब करीब 1 आवर
24.6 मिनट्स में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है अर्थ के राउंड अबाउट। आप ये वैल्यूज पुट करके घर जाकर आराम से कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहे, वैसे अलाउड नहीं होता, आपको देख लेना इसको कैलकुलेट करके, यू विल गेट इट। और आगे चल के जब भी हम बेटे सिंपल लिसन पुत्र लिसन, एक मिनट सुनिएगा, आगे जाके कहीं पे आप सिंपल पेंडुलम वाला जब चैप्टर डिस्कस करोगे ना, वहां पे आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ आपने इनफाइनाइट कर दी, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला आपने टी इज इक्वल टू 2π√L/g कर रखा है ना प्रैक्टिकल में, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट कर दोगे, चार ऑप्शन आएंगी, टाइम पीरियड विल बिकम इनफाइनाइट, जीरो कुछ और दो लिख देंगे, उस केस में गलती नहीं करनी, ये हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की लेंथ को अगर आप इनफाइनाइट कर देते हो ना, तो वो फार्मूला ये बन जाता है, कैसे बनेगा तब बनाएंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बता ही रहा हूं। अरे नहीं, कुछ ऐसे दे देंगे या ऐसे दे देंगे, कुछ बता देंगे आपको ना, आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होगा, ये गलती मत कर लेना, ये आपका सुक्का एक नंबर होता है, ठीक है बेटा। वो कहेंगे कि टाइम पीरियड बताइए, अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ आपने इनफाइनाइट कर दिया, तो हम तो सीधा देखेंगे कि भाई ये इनफाइनाइट है तो इट विल आल्सो बी इनफाइनाइट, है ना, बट ऐसा नहीं है, तब ये चीज हो जाया करती है, क्यों होगी वो तब कर लेंगे, राइट। इसके कहां पर क्या बात करते हो, वो तो टाइम सिंपल पेंडुलम का अगर, वो तो है बेटे, ये तो वैसे ही मैंने लिखा था ना आपको समझाने के लिए, ये इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, ये डिराइव करके दिखाएंगे आपको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे अभी नहीं, लेकिन करेंगे, चिंता ये बेटे चाहिए था, जरा मैं आपको दोबारा कहता हूँ, रब कर दिया गलती से। थर्ड लिखिए बेटा, हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चों सबसे पहली तो बात यह है कि जियो स्टेशनरी वर्ड का क्या मतलब है, कई बार वो जियो सिंक्रोनियस भी लिख देते हैं, इनका एक ही मतलब होता है, इसका मतलब बेटे होता है कि जब आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो, आपको लगता है कि सैटेलाइट वहीं का वहीं है, वो मूव ही नहीं कर रहा, असल में आप भी मूव कर रहे होते हैं, वो भी मूव कर रहा होता है, अर्थ अपने एक्सिस के राउंड अबाउट 24 आवर्स का टाइम लेकर ऐसे ऐसे कर रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ रखा है ना आपने, तो अगर आप अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे हो प्रेजेंटली, सैटेलाइट यहाँ पे है, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं वो आपके साथ ही मूव कर रहा है, आपको लगता है कि वो फिक्स हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज दैट सैटेलाइट हूज टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, दैट इज 24 आवर्स का। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटे जो है, इट इज ए सैटेलाइट हूज टाइम पीरियड इज सिंक्रोनाइज विद द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, या हूज टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अभी अभी देखो बच्चों, हमने फार्मूला निकाला था टाइम पीरियड का, लास्ट वाला जरा कोई बच्चा बोल दीजिए बेटे, दैट वाज 2π, मैं लिखता हूँ चेक करके बताइएगा, आर प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई ये जी एम कुछ ऐसा था, यही था, इसका स्केयर कर देते हैं दोनों तरफ, आइए देखें स्केयरिंग कर दें कि रहने दें, कल करना है, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। सो थैंक यू ऑल, बाकी कल कर लेते हैं बेटा।